जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सब लोगों को मैंने क्लास 11th की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्यूशन के लास्ट फॉर्मूले बताए थे मोलैरिटी एंड मोलैरिटी के। तो नेचुरल सी बात है आज तो उसके क्वेश्चन का नंबर है, तो आइए कुछ मोलैरिटी मोलैरिटी के क्वेश्चन करते हैं। पहले दो क्वेश्चन मेरे मन के, फिर दो तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन के टाइम पे अपने सामने एनसीईआरटी खोल के बैठना ताकि क्वेश्चन लिखने का टाइम हमारा वेस्ट ना हो और सीधा हम सॉल्यूशन करते चले। तो आप सब लोगों को करंटली जो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन दिया है उसमें आपको मोलैरिटी बतानी है एक सॉल्यूशन की जिसकी वॉल्यूम 250 ml बताई गई है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन नोट करूं तो उसमें सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेंशन कर सकता हूं 250 ml, ये मुझे क्वेश्चन में ही लिख के दी गई। प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 120 ग्राम ऑफ NH2CO, तो ये मैं डिजोल्व कर रहा हूं, माने ये मेरा सॉल्यूट है और सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्यूट के लिए सिंबल में बी लगाते हैं जिसकी वैल्यू 120 ग्राम आपको दे रखी है। मोलर मास आपको आमतौर पे क्वेश्चन में गिवन आएगा, यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है। तो आप देखो ध्यान से, ये जो तीन चीजें हमें गिवन है मोलैरिटी के फॉर्मूले में, यही तीन चीजें तो लगती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर एमएल में है तो ऊपर 1000। तो अब आप सब लोगों को तीन चीजें जो चाहिए तीनों डायरेक्ट दे दी, तो अगर तीनों डायरेक्ट है मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ खास मेहनत करनी नहीं, वैल्यू रखो आंसर निकालो 60 × 1000, नीचे हमारे पास आ गया 120 × 250, यहां पे तो देखो बचेगा 4, इधर हमारे पास बच जाएगा 2, ये कैलकुलेट करके आप लोगों को 2 mol/L फाइनल आंसर मिल गया। देखिए हो गए क्वेश्चन कैलकुलेशन खत्म। अब जरा सेकंड क्वेश्चन पे आओ, सेकंड क्वेश्चन बड़ा मजेदार सा है, इसमें आप लोगों को मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों चीजें मांगी गई है और NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH का मोलर मास जो कि हमारा सॉल्यूट है 40 ग्राम पर मोल होता है जो कि अगेन गिवन आएगा। इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1.202 ग्राम पर एमएल। अब आप सब लोगों को इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट करना है उसमें 20% आपको मास परसेंटेज, एक्स्ट्रा डिटेल 20% मास परसेंटेज है। देखो NaOH सॉल्यूट हमारा 20% है बाय मास। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये मास परसेंटेज कैसे इस्तेमाल करनी है, अगर 20% NaOH है बाय मास मतलब 100% मास ऑफ सॉल्यूशन में 20% NaOH है, तो इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH होगा, मतलब मैं सॉल्यूट का मास 20 ग्राम कंसीडर कर सकता हूं अगर मैं मोलर मास मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लो, 100% सॉल्यूशन में 20% सॉल्यूट मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट। तो अब आप जरा यहां पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला पहले हम मोलैलिटी अभी तक हमने यूज नहीं करा है तो इसी के फॉर्मूले को लगाते हैं। नीचे सॉल्वेंट का मास रखना होता है मोलैलिटी में और मोलैलिटी में वॉल्यूम रखनी होती है। अब डब्ल्यू भी हमारे पास 20 है इंटू 1000, मोलर मास 40 है, WA की वैल्यू कैसे आएगी, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दो बचा हुआ सॉल्वेंट होता है 100 - 20 माने 80 ग्राम। तो देखो हमारे पास इनफ डिटेल्स है अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए, ज्यादा सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, और आप इसे कैलकुलेट करके मोल पर केजी मास निकाल लोगे। इसी तरीके से मोलैरिटी की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें डब्ल्यू बी इन 2000 डिवाइडेड बाय मोलर मास और वॉल्यूम रखते हैं। प्रॉब्लम यह वॉल्यूम नहीं दे रखी, और आप लोगों को एक चीज सिखाई जाती थी डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ आप डेंसिटी और वॉल्यूम की जगह जरा बदल के तो देखो, बदलो बदलो, वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर मुझे वॉल्यूम नहीं दी और मैं थोड़ा सा गौर करूं तो मैं मास अपॉन डेंसिटी रख सकता हूं, और मास अपॉन डेंसिटी रखते ही आप ध्यान से देखो सारे वेरिएबल है मेरे पास, WB कितना है मेरे पास 20 है सर, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 1.202 दे रखी है, और इसके अलावा नीचे मोलर मास सर कितना लेना है 40 लेना है, और मास ऑफ सॉल्यूशन 100, हर एक वेरिएबल है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा अच्छी वैरायटी ही ये परसेंटेज वाली है क्योंकि इसमें आपको हर एक डिटेल बारीक से बारीक डिटेल परसेंटेज से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इसका मतलब आप लोगों को इस तरीके के मैंने क्वेश्चन कराया तो नेचुरल सी बात है आपके पास ये क्वेश्चन है ऑलरेडी बुक के अंदर जो आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। अभी मुझे एक चीज लगती है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है एक बार खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद कल की वीडियो में मैं सारे आंसर दूंगा, लेकिन लेट्स सी वीडियो आने से पहले कौन कौन उन क्वेश्चन को सही सॉल्व कर।
आप लोग जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के ट्राई करोगे वो है क्वेश्चन नंबर एक तो एग्जांपल 7 है चैप्टर 1 का, और एक है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 5, 6 एंड 11। इसके अलावा दो क्वेश्चन और हैं जो स्पेशल केस है जो मैं ही कराऊंगा, बट अगेन सिर्फ इन दो फॉर्मुलों के बेसिस पे, इन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये चारों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्यों ना आप लोगों के ऊपर एक बार इन क्वेश्चन का ट्रायल छोड़ा जाए, क्यों ना आप लोग अपनी कैपेबिलिटीज को थोड़ा सा एनहेंस करो और जज करो कि आप सिर्फ इतनी ही नॉलेज से क्या क्वेश्चन को पकड़ पाए हो या नहीं पकड़ पाए। हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा बट ये सिंपल है, तो लेट्स सी आप लोग एक बार इसे ट्राई करके ईमानदारी से सही आंसर तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते। और सही आंसर तक पहुंच गए तो इसका मतलब कल की वीडियो आप लोगों के लिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगी कि हाँ हमें आता था, सर आपने जो बताया वो फिट हो गया, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। और अगर एक भी क्वेश्चन दुखी देगा तो उसके लिए तो बैठे ही हैं दक्ष सर, क्यों टेंशन ले रहे हो, दुखी क्यों होना है जब मैं संभाल लूंगा सब। तो आप सब लोग एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर एनसीईआरटी की वीडियो का कल और वेट करते हैं, और परसों मैं आपको इसके स्पेशल केस जो आपकी बुक में दे रखे एक फॉर्मूला और बताना उसके साथ खत्म करा दूंगा, और फिर हम आगे अच्छे क्वेश्चन IIT PYQs लेवल पे भी चलेंगे। ठीक है, जय हिंद ऑल ऑफ यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बहुत जरूरी बातें हैं, रोज बता रहे हैं और रोज जो बातें बताई जाए उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो बातें कह रहे हैं वो मान लो हम इतने बुजुर्ग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बात में दबाव डालने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। तो आप जरा थोड़ा सा अपने ऊपर दबाव डालिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल जितना ग्रो करेगा उतनी आपकी ग्रोथ के लिए हम मेहनत करेंगे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।